हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास टेंथ मैथ RBSE एक्सरसाइज 8 बेटा प्रश्नावली चल रही थी हमारी 8वीं, और क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। और किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए कि मीनार की ओर, तो बेटा ज्ञात कीजिए मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए, मीनार कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण, जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हाँ थोड़ा लेंदी हो सकता है बट अच्छा है क्वेश्चन। देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को बेटा। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम हमारा अगर सही बन गया तो बेटा हमारा आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। तो देखिए किसी अपूर्ण मीनार, बेटा कोई मीनार है अपूर्ण यानी कि आधी बनी हुई है, पूरी नहीं बनी वो अभी, तो किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, बेटा आधार ये हो गया, इससे 120 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु, ये बेटा कोई बिंदु हो गया, मान के चलो ये ए है ये बी है और इस बिंदु की दूरी कितनी है 120 मीटर, ठीक है 120 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बेटा 30 डिग्री है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री, ठीक है ना। अब वो कह रहा है बेटा यदि ज्ञात कीजिए कि मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए, तो बेटा मान के चलो उसको हम एच ऊंचा बना रहे हैं, ठीक है एच ऊंचा और बढ़ा दें उसको, तो उसी स्थान पर यानी कि इसी स्थान पर, ठीक है बी बिंदु पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए, तो बेटा इसी स्थान पर इसका उन्नयन कोण कितना हो जाना चाहिए 60 डिग्री हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बेटा इनको मार्क डाल देते हैं ABCD, ठीक है ना। तो बेटा देखिए सॉल्यूशन करना है इसका, बेटा दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं हमारे, कौन कौन से हैं, एक तो है CAB और एक है DAB, ठीक है दोनों त्रिभुजों को लेना है बेटा। सबसे पहले तो हम इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है इसका मान कितना आएगा, मान के चलो इसको मन एक्स की मान लेते हैं, एक्स AC बराबर एक्स मीटर, ठीक है AC बराबर एक्स मीटर, और बेटा टोटल कितनी हो जाएगी ये AD कितने की हो जाएगी, AD H प्लस एक्स, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं AD बराबर H प्लस एक्स, ठीक है मान किसका निकालना है हमें, H का निकालना है, क्यों H का मानिए बेटा, H मानिए हमने कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी कि मीनार को H मीटर ऊंचा बनाया जाए, ठीक है
देखिए, माना मीनार को एच ऊंचा बनाया जाता है, एच ऊंचा बनाया जाता है, ठीक है। तो बेटा देखिए, और सबसे पहले त्रिभुज ले लेते, त्रिभुज सी ए बी, ठीक है, त्रिभुज सी ए बी में बेटा थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो इसमें बेटा कोण कोण कितने का, सी ए बी में 30 डिग्री का है, ठीक है। तो बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार, टेन थीटा का मान कितना है बेटा 30, लंब का मान x बटे आधार का मान कितना है 120, टेन 30 का मान 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन नहीं एक्स अपॉन 120 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स अंडर रूट 3 बराबर 120 और एक्स बराबर 120 बटे रूट 3 बेटा परिमेयकरण कर दें क्योंकि नीचे बटे वाली संख्या आ रही है रूट की है, रूट अपॉन ये लो √3/√3, ठीक है बेटा। तो √3 × √3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 120√3/3 बेटा x इसको 3 से इसको कैंसिल कर दो, तो x का मान आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 40√3 मीटर। ये तो आ गया बेटा x का मान, ठीक है। मान किसका चाहिए हमें, h का। तो देखिए हम नेक्स्ट त्रिभुज ले लीजिए, नेक्स्ट त्रिभुज हमारा कौन सा है, त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में बेटा इसमें थीटा का मान कितना है 60 है, ठीक है। मान किसका निकालना है, एच का, और बेटा थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है लंब, और बेटा लंब कितने की है एच बटे एक्स की, और आधार कितने का है 120 का। तो लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला लगता है, टेन का। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार, तो टेन थीटा का मान 60, लंब का मान एच प्लस एक्स है, अपॉन आधार का मान बेटा 120 है, टेन 30 नहीं बेटा टेन 60 का मान √3 होता है, √3 इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। हाँ, देख क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एच प्लस एक्स इज इक्वल टू 120√3 बेटा, एक्स का मान कितना निकल गया था 40√3। तो देखिए नेक्स्ट आगे देखिए बेटा, एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर बेटा, एक्स का मान रखिए इसमें, देखिए एच प्लस, क्यों हमें एच का तो मान निकालना है, तो एच प्लस बेटा एक्स की जगह पर कितनी वैल्यू रखेंगे 40√3, 40√3 बराबर 120√3, ठीक है बेटा। 40√3 को इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव है तो इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एच इज इक्वल टू 120√3 माइनस 40√3, एच बराबर बेटा 80√3 मीटर, ठीक है बेटा। घटा दिया 120√3 में से 40√3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 80√3 मीटर। अतः मीनार को 80√3 मीटर ऊंचा बनाया जाए, ठीक है। और बेटा ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से कॉपी करें, अच्छे से समझें बेटा, बार बार अभ्यास करें। सो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, इसको क्लीन कर रहा हूँ। देखिए बेटा क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है हमसे, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर
एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बेटा एक मीनार है जिसके आधार से 100 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है बेटा, उस बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है बेटा हमसे। तो देखिए ये हमारी मीनार हो गई, मीनार का आधार बिंदु बी हो गया, ऊपर वाला पॉइंट शिखर ले लिया ए, ठीक है। मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर बेटा, ठीक है, ये हमारी 100 मीटर की दूरी हो गई, 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु, ये बेटा स्थित बिंदु सी हो गया, सी से मीनार का शिखर ये हो गया बेटा, से बेटा 30 डिग्री है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है 30 डिग्री है, तो बेटा इसका उन्नयन कोण कितना है, ये 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा मीनार की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, h मीटर, ठीक। तो बेटा नोट कर देते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। तो बेटा मीनार की ऊंचाई तो होगी h मीटर, और हम जानते हैं थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और बेटा क्या दे रखा है हमें, आधार, तो लंब पूछ रहा है हमसे और आधार हमें दे रखा है। तो बेटा लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, टेन थीटा का, ठीक है। इसलिए टेन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार, और बेटा थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30, तो टेन 30 इज इक्वल टू लंब का मान, बेटा थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, h माना है h, बटे आधार का मान कितना है 100, और टेन 30 का मान 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 100, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3h इज इक्वल टू 100, h इज इक्वल टू 100/√3, बेटा परमेकरण कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा परमेकरण करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, h इज इक्वल टू 100/√3 बटे √3 × √3 बेटा, तीन का अगर इसमें भाग देना चाहते हो दे दीजिए, ये आएगा 33.33√3 मीटर, ठीक है। तो बेटा मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, मीनार की ऊंचाई h इज इक्वल टू 33.33√3 मीटर, और ये हमारा आंसर हो चुका है बेटा, ठीक है। बेटा क्वेश्चन कॉपी करिए, अच्छा क्वेश्चन है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए 15वां आपका, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर चोटी का
उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है, स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या बोल रहा है वो, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। अगर डायग्राम हमारा सही बनता है तो बेटा क्वेश्चन हमारा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो बेटा देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है और डायग्राम कैसे बनता है। बेटा किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, बेटा ये तो ले लिया हमने स्तंभ, ठीक है, इसकी चोटी ये हो गई। बेटा चोटी का समतल पर स्थित किसी बिंदु, मान के चलो बेटा समतल पर, ये हमारा समतल हो गया देखिए, ठीक है, समतल पर स्थित किसी बिंदु, बेटा ये बिंदु हो गया, ठीक है, समतल पर स्थित किसी बिंदु से 15 डिग्री है, इससे बेटा इसका कोण कितना है 15 डिग्री, और बेटा दिया हुआ है टेन 15 बराबर 2 - √3 होता है, ठीक है। टेन 15 का मान कितना होता है 2 - √3, हाँ बेटा। तो वो कह रहा है कि स्तंभ की ओर, यानी कि यहाँ से स्तंभ की तरफ, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, बेटा कितनी दूरी तय कर रहे हैं हम, 100 मीटर चलने पर, यानी कि यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए 100 मीटर पर, ठीक है, 100 मीटर चलने पर, 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो बेटा इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री, ये देखिए 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेटा स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मैं नंबर डाल देता हूँ ए बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ठीक है। माना स्तंभ की ऊंचाई एच, ठीक है, और बेटा इसको कितना मान लेते हैं बी सी को मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो बेटा बी सी तो हो गई एक्स की और सी डी हो गई 100 की, तो बेटा बी डी कितने की हो जाएगी, बी से डी तक की दूरी, बेटा दोनों जुड़ जाएंगी एक्स प्लस 100 मीटर, ठीक है ना। तो देखिए बेटा सबसे पहले त्रिभुज यही ले ले छोटा वाला, है ना, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बेटा थीटा कितने का दिया हुआ है 30 का, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं माना स्तंभ की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी मान ली बेटा h, ठीक है, और हमें h का मान ही ज्ञात करना, ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और हमने ऊंचाई कितने की मान ली है h की, तो ऊंचाई का मान हमें बेटा ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि त्रिभुज ABC में थीटा आपका 30 का है, तो 30 के सामने वाली भुजा लंब और बेटा नीचे वाली आधार, तो बेटा लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला लगता है टेन का, तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार, टेन थीटा का मान 30 है, लंब का मान बेटा h का है और आधार का मान x, टेन 30 का मान 1 / √3 बराबर h अपॉन x, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x इज इक्वल टू √3 h, इसको बोल देते हैं बेटा समीकरण नंबर 1, ठीक है, ब्रैकेट में ऑफ कर देता हूँ इसको, ठीक। अब बेटा सेकंड ट्रायंगल, यानी कि सेकंड त्रिभुज कौन सा है अपना, ए बी डी है, तो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है बेटा थीटा कितने का है इसमें, इस बेटा 15 डिग्री का है, ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब हो गई,
और बेटा नीचे वाली भुजा हमारी आधार हो गई, लंब और आधार में टेन का ही फॉर्मूला लगता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार, टेन 15 बराबर लंब का मान एच बटे एक, बटा ए का मान आधार का मान कितना है देखिए, बी डी कितने की है एक्स प्लस 100। ठीक है बेटा, अब देखिए मान रखता हूँ सभी के, साइड में कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, तो टेन 15 का मान कितना है 2 माइनस अंडर रूट थ्री बराबर एच बटे एक्स प्लस 100। ठीक है, तो बेटा इसके नीचे अपॉन में 1 मान लेते हैं, हमें मान ज्ञात करना है किसका, एच का, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एच का गुणा 1 से, एच इज इक्वल टू बेटा 2 माइनस अंडर रूट 3 का गुणा करना है एक्स प्लस 100 से। ठीक है ना, तो बेटा इनका इन टू कीजिए, तो या फिर ऐसा करिए एक्स का मान पुट कर देते हैं, ठीक है, एक्स का मान है अंडर रूट 3 एच, ठीक है, एक्स का मान रखने पर, या फिर बेटा ऐसे बोल सकते हो समीकरण एक से एक्स का मान रखने पर, ठीक है, तो एच इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, बेटा एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एच है, तो एक्स की जगह पर अंडर रूट 3 एच प्लस 100, बेटा यहाँ पे रख दिया है एक्स का मान, ठीक है, एच इज इक्वल टू बेटा इन टू कीजिए 2 का इन टू अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 एच, 2 का इंटू 100 से प्लस 200, तो देखिए माइनस का अंडर रूट 3 है और ये प्लस का है तो आपका माइनस आएगा, माइनस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 से 3 एच का एच, ये माइनस का है, ये आपका 100 प्लस का है तो माइनस आएगा, ये हो जाएगा 100 अंडर रूट 3। ठीक है बेटा, एच का मान हमें ज्ञात करना है, तो एच वाली संख्याओं को एक तरफ ले लीजिए और जिनमें एच नहीं है यानी अचर पदों को एक तरफ और बेटा चर पदों को एक तरफ लीजिए। ठीक है, तो देखिए h 2 माइनस अंडर रूट 3 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस 2 अंडर रूट 3 एच। ठीक है, और कहाँ h वाला पद, देखो ये रहा अंडर रूट 3 एच को जब हम इधर लेंगे तो बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर में क्या बच रहा है हमारा, माइनस का 100 अंडर रूट 3। ठीक है, और बेटा 2 अंडर रूट 3 भी बच, नहीं ये भी तो बच रहा है 200, एक तो बेटा 200 रह गया यहाँ पे और माइनस का 100 अंडर रूट 3। ठीक है, आगे देखिए बेटा, देखिए एच प्लस अंडर रूट, नहीं बेटा एच प्लस 3 एच कितने हो गए, 4 एच माइनस 2 अंडर रूट 3 एच, बराबर देखिए बेटा 200 माइनस 100 अंडर रूट 3, 200 माइनस 100 अंडर रूट 3, बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2h। ठीक है, यहाँ से क्या बच रहा है, h तो कॉमन ले लिया और बेटा 4 में 2 का भाग दीजिए तो 2 बचेगा, माइनस बेटा 2 कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया और क्या बच रहा है, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 100, बेटा यहाँ से क्या बचेगा, 2 माइनस अंडर रूट 3, बेटा 100 कॉमन लिया है तो 100 का 200 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, माइनस बेटा 100 में से 100 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, 1 इंटू रूट 3 रहेगा। ठीक है बेटा, मान किसका निकालना है हमें, h का, तो h इज इक्वल टू देखो इधर तो लिखा हुआ है आपका 100 2 माइनस रूट 3 अपॉन, बेटा 2 इसके इंटू में है तो कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा इंटू, और बेटा एच के इंटू में ये आपका 2 माइनस अंडर रूट 3 भी आपके एच के इंटू में है तो ये भी कहाँ जाएगा, अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट 3, और बेटा 2 माइनस अंडर रूट 3 से 2 माइनस अंडर रूट 3 कैंसिल, और बेटा 2 का अगर 100 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार, तो एच इज इक्वल टू 50 मीटर। अतः स्तंभ की ऊँचाई बेटा कितनी आ गई, अतः स्तंभ की ऊँचाई एच का मान कितना आ गया बेटा, 50 मीटर। लिख दीजिए अतः स्तंभ की ऊंचाई h इज इक्वल टू 50 मीटर, और बेटा ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए अच्छे से।
बेटा एग्जाम में आ सकता है। बेटा अच्छे से अभ्यास करें क्वेश्चन का, ठीक है, और बेटा अच्छे से क्वेश्चन को समझें, सॉल्व करें, और एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो बेटा संपर्क करें, ठीक है ना। और बेटा क्वेश्चन को बार बार अभ्यास जरूर करें ताकि आगे चल के हमें कोई समस्या ना हो, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा संपर्क कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।